थाना जियाबन पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल के साथ किया फ्लैग मार्च। सिंगरौली पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला के निर्देशन में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी अब चौकन्ना दिखाई दे रहा है। SDOP DSR लालदेव सिंह एवं जियाबन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय के नेतृत्व में CRPF के जवान व जियाबन पुलिस टीम ने सैकड़ों की संख्या में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को अपनी ताकत का एहसास कराया। देवसर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस जवानों को देखकर लोगों के सामने सिर्फ एक ही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिर इतनी पुलिस बल यहाँ क्यों लगी है। पुलिस जवानों के द्वारा आगामी चुनाव में कानूनी व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था कायम करने हेतु पैदल व गाड़ियों से फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। वहीं जियाबन थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल उपाध्याय ने सभी ग्रामीण नागरिक एवं व्यापारियों को बताया कि 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, आप सभी निर्भय होकर मतदान करें। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस गंभीर है, किसी तरह की समस्या हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दे, पुलिस आपके सहयोग के लिए सदैव तत्पर है, जिससे आमजन भयमुक्त होकर अपने मत का प्रयोग कर सके। साथ ही थाना क्षेत्र के देवसर, नोठिया, खरोड़ा, हराबिरती, सुपेला आदि सहित संपूर्ण थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च में CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट सुरेंद्र नाथ अनगर, निरीक्षक अनिल उपाध्याय, उप निरीक्षक सरनाथ सिंह कुंदवार, चौकी प्रभारी एवं जियाबन पुलिस स्टाफ व CRPF के कई जवान उपस्थित रहे।